रात का मौसम था, एकदम से किसी के मुंह से निकला, भाई अमृतसर चलना है। तो अमृतसर एक बार मुंह से निकल गया तो चलना है। तो यार हमने उसी टाइम टिकट बुक करी और निकल पड़े अपनी इस जर्नी में। तो चलते हैं यार मेरी इस जर्नी में आपके साथ। Hey guys, welcome back to the video. तो यार आज हम जाने वाले अमृतसर और देख रहे हो रेलवे स्टेशन पे गए, सीधे रेलवे स्टेशन से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और यार ये ब्लॉग हमें इमीडिएटली बन गया, बिल्कुल इमीडिएटली हमें अमृतसर जा रहे हैं। और जैसे बताओ एक दिन का प्लान है, आज ही टिकट बुक करी और आज ही हम जा रहे हैं। मैं मस्ती मजे दिखाता हूँ सामने बंदे। जैसे ही हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी, सबसे पहले तो यार स्टेशन पे जैसे ही हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तब पता चला कि कोरोना है ही नहीं। इतनी भीड़ थी कि कोरोना ऐसा लग रहा था है नहीं, ना किसी के मुंह पे मास्क है, ना किसी पे वो है, और ना कोई रूल है, ना कोई रेगुलेशन। लेकिन हमें क्या था यार, हमने अपना काम पूरा किया था तो हम चल लिए थे। जैसे ही ऊपर चलते गए हमारी ट्रेन लगी पड़ी थी, लेकिन किसी ने बोला कि ट्रेन आधे घंटे लेट है। हमारी टिकट वैसे उस तरफ है, पता नहीं 6:40 की ट्रेन है। चलो यार यहाँ पे है हमारा डब्बा, खुद जा। फिर भी हम अपनी सीट पे जाके बैठ गए। सीट पे जाके जैसे ही बैठा तो हमारी मुलाकात हुई एक भैया से जो कि खुद अमृतसर जा रहे थे। उनको बात करी हमने उनसे, यार हमारी गाड़ी चल चुकी है, थोड़ी सी 4 मिनट लेट है, 6:40 की ट्रेन थी, अभी 6:45-6:44 हो रहे होंगे तो इतने पे चले। और बाहर का माहौल बहुत ही ठंडा है, बारिश थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश हो रही है। और वहाँ पे पहुँचने का टाइम तकरीबन हमारा 2 बजे का, उसके बाद जा कर के हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे। गोल्डन टेम्पल में जा कर के ट्राई करेंगे वहाँ पे स्टे करने के लिए, और फिर जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो काम करेंगे। ऐसा लग रहा है जाते समय, देख भाई बहुत मजा आ रहा है क्योंकि सिर्फ हम छोले कुलचे खाने जा रहे हैं भाई। छोले मतलब यहाँ से 7 घंटे ट्रेवल करके हम सिर्फ छोले कुलचे खाने जा रहे हैं। मतलब कोई सेंस है इस बात, पता है सेंस नहीं है कोई बात में, लेकिन मजा आ रहा है। सूरज को उल्टी आने लगी, सूरज को उल्टी आने लगी भाई, ट्रेन में घुसते ही उल्टी शुरू हो गई। तो बाहर आके अब दूसरे गेट से जाएंगे भाई। चलो यहाँ से यार एंट्री क्या करने जा रहा है तू? I'm enjoying Goa. छोले कुलचे खा ले। I'm going to take some fun in spa, you know, Amritsar. भाई क्या क्या। अब बाहर का मौसम था पूरा के पूरा प्राकृतिक था, बाहर बारिश हो रही थी, वादियाँ उड़ रही थी, हमने हाथ बढ़ा करके पानी का मजा लिया और क्या ही लगते। और फिर होता है ना हर एक इंडियन के चुल्के गेट पे जा करके मजा लेने, तो हम गेट पे गए। गेट पे जा करके वाह, जो सुख था, जो फील थी वह अलग लेवल की थी। हमने मुंह बाहर करके अपने चेहरे पर पानी लिया, बहुत ही अच्छा लगा उसको देख करके। ऐसे ही हमने पूरे 12 घंटे बिताए अपने मस्ती मजे करते करते। मस्त लग रहा है, जो मेरे में तो आता ही नहीं अगले यार। वो रहा अमृतसर का गेट बोर्ड और यहाँ पे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर ये 4 है, ऐसे ये 3 पे लग रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लग रही है। और स्टेडियम देख रहे हो यार पूरा जंक्शन खाली पड़ा है। अभी हम उतर करके जा करके हम लेंगे। ये सब लोग देख रहे हंस रहे हैं। हंस क्यों रहे भाई, ये कौन सी गाड़ी है? बिलासपुर से लेकर अमृतसर, बिलासपुर पता नहीं कहाँ है यार, बता देना कमेंट में आप, बता देना कहाँ है। और तो बस यही है, अभी जाके मैं बाहर जाके आपको अपडेट देता हूँ कि क्या करने वाले हैं हम। अभी गाड़ी खड़ी हुई है, सब के सब आ रहे हैं और देख रहे हो भीड़ कितनी लगी हुई है, सब जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। अब जैसे ही हम अमृतसर की ज़मीन पे पैर रखा ना, पैर रखते ही हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था सूरज, जो कि ब्लॉग बना रहा था, कुछ लड़कियाँ उसे देख के हंसने लगी। मतलब आते ही बेइज्जती शुरू होगी हमारी, आते ही बेइज्जती हो गई। होते ही एक और इंसिडेंट हुआ कि ऑटो वाले ने भी हमें लूट लिया। हमारी ऑटो जो हमने बुक करी है, ये अंकल ले गए, ओए हट जा बैठने दे, यहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ। ऑटो वाले ने बोला भाई सबसे सस्ता किराया वहाँ तक का, और जाके पता चला कि सबसे महंगा किराया लगा वो, सबसे महंगा किराया लिया उस बंदे ने हमसे। तो उसने भी लूटा और उसने भी बेइज्जती करी। लेकिन जो बोलते ना, अगर आप कोई लड़का कोई भी आपकी बेइज्जती कर रहा है तो समझ लो आप तरक्की कर रहे हो। तो वही सीन सोच के हम हंसने लगे और अपने रास्ते निकल लिए। यार यहाँ पे पेटीएम भी लेते हैं तो कैश लेके आना, पेटीएम के चक्कर में मत रहना, हम तो बोले पेटीएम करवा देंगे आपसे, ठीक है।
यार इन्होंने ये लिया है स्पेशल कुलचे। वहाँ पे सब जानते हैं भाई गोल्डन टेम्पल की तरफ कुलचे बहुत फेमस है, तो यहाँ पे कुलचे कुलचे दुनिया भर के कुलचे थे, और साथ में एक न्यूट्रिशन कुलचा भी था जो कि बहुत अजीब था लेकिन अच्छा लगा न्यूट्रिशन कुलचा। यार अब हम आ गए हैं, मैं उतर गया हूँ, और हम ना अभी गोल्डन टेम्पल नहीं जाएंगे, गोल्डन टेम्पल की जगह पहले हमने होटल लिया है, होटल को दिखाता हूँ। होटल तकरीबन 1500 रुपये एक दिन का लग रहा है, वहाँ से हम सब फ्रेश व्रैश होकर के फिर गोल्डन टेम्पल जाएंगे, फिर वहाँ जा करके इन्जॉय करेंगे। यार बहुत सुनने में तो बहुत आया गोल्डन टेम्पल, बहुत तगड़ा, पहली बार जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस से पता नहीं है, लेकिन जो भी करूँगा अच्छे से करूँगा, और आपको दिखाना देखना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा विजुलाइज। मुझे पता है भाई स्क्रीन पे देखना और रियल में देखने में फ़र्क क्या था, बस देख के, लेकिन ज़रूर बताना ज़रूर। फिर हमने एक होटल लिया जा करके, होटल भी हम गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ ही लिया था कि हम वहाँ पर पहुँच जाएँ ईजिली, दूर नहीं लिया, तो गोल्डन टेम्पल की तरफ हमने जा करके होटल लिया। तो गाइस यार अब हम आ गए अपने रूम में, ये हमारा रूम है, रूम नंबर नहीं लिखा हुआ, सेकंड फ्लोर पे है, खुल जा। ये आगे पहले सो गए बंदे, ओ आते ही शुरू। तो सबसे पहले हमने होटल लिया, होटल में जाकर के स्टे किया, फिर और फ्रेश हुए, फिर हमने मस्ती मजा, तकियों का तकियों से लड़ाई झगड़ा किया। ओए पिलो पार्ट फट जाए, ओए ओए बाहर आओ लैपटॉप। A few moments later. Welcome to Pakistan. Welcome to Pakistan. यार पाकिस्तान जा रहे हैं भाई, पाकिस्तान बागा बॉर्डर, लेकिन अभी बंद पड़ा है, एग्जैक्टली पता नहीं है, भैया लेके जा रहे हैं, भैया ही बताएंगे, भैया बंद पड़ा है कि चालू है, बंद है, तो हम बस देख के आ जाएंगे। और ये भी भाई जो चिल्ला रहे हैं ना, क्या चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, चल ले तारों के नीचे से गड्ढा खोद के लिए। ये देख ले भागा बॉर्डर यार, ये बॉर्डर सिक्योरिटी कोड यार, ये और टैंक है, ये आर्मी का अंदर इलाका, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले साइड से रहते हैं। पहले जो मैंने टैंक दिखाया है वो 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें यूज़ किए गए टैंक थे, और दीवारें लगी थी जिस वजह से गड्ढे नीचे पाए, तो ऊपर करके मैंने ट्राई करा जितना हो सके देख लेना, और वो 1971 में जो लड़ाई हुई थी सच वाले वही वाले टैंक पड़े हैं दिखाने के लोग। बागा बॉर्डर जाते 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 हम चलते गए, जाते जाते पहले तो बागा बॉर्डर उस ऑटो वाले का टायर पंचर हो गया। यार जाते जाते एक इंसिडेंट हो चुका तगड़ा वाला, हमारे जिस ऑटो जा रहे हैं उसका टायर फट गया, मैं दिखाता हूँ, टायर एकदम से फट गया और ये सब बाहर रोड पे, टायर फट के टायर अलग हो चुका, चलते चलते फट गया। राहुल अब लेट होंगे नहीं हम भैया, भैया भैया भाई मास्टर आ गए भैया, यार भैया लेके जाएंगे, राहुल पिला तो दे थोड़े से यार, अब थोड़ा ब्रेक हो जाए, कैडबरी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक हो गई, हम फिर से निकल गए हैं पाकिस्तान जाने के लिए, जब पाकिस्तान में लैंड होगा पाकिस्तान। तो गाइस यार हम पहुंच चुके हैं, सामने ही दो झंडे दिख रहे हैं, एक है इंडिया का और एक है पाकिस्तान का उस तरफ, ये ब्लर इसलिए हो रहा है कि अभी हम गाड़ी में इसलिए हिल रहा है। यार ये जो सिक्योरिटी फोर्स है ना जो सामने दिख रही है, इन्होंने अभी अंदर जाने से मना कर दिया, तो अभी नहीं जाने देंगे, और वो सामने ही झंडा है, आप एग्जैक्टली आप देख सकते हो इस तरफ वो है, इस तरफ वो। तो कुछ नहीं कर सकते, अभी जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे, सामने सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स वाले मना कर रहे हैं। तो कौन कौन जा रहा है पाकिस्तान? अभी भगाया मेरे को, मैंने खुद देखा है पुलिस वाले की, अभी अभी भगाते हुए देखा मैंने तेरे को, क्या ही करे यार, आधा आधा अधूरा रह गया, मतलब वो जाने ही नहीं दे रहे हैं यार। अब एग्जैक्टली बुकिंग करवा के आएंगे किसी दिन की, जब उधर खाली हो, जब सब कुछ खुला हो, बुक करवा करके तभी हो सकता है, क्योंकि अब पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया अंदर ने यार।
कम से कम गेट तक पहुंच रहे थे तो एक मजा भी आता, गेट भी नहीं देख रहे थे, बस झंडा देख के आ गए। चलो अब कोई नहीं, Later that night. यार अभी हम निकल गए हैं गोल्डन टेम्पल देखने के लिए रात में। दिन में व्यू खराब आते हैं, सब ने सजेशन दिया कि रात में देखना, तो मैं रात का व्यू दिखाऊँ आपको गोल्डन टेम्पल का। ड्रोन होता तो मैं आपको ऊपर से दिखाता, लेकिन ड्रोन तो अवेलेबल नहीं है तो नीचे से दिखाऊंगा। लेकिन व्यूज़ बहुत तगड़ा है, बंदों ने बहुत होटल वालों ने बोला बहुत तगड़ा व्यूज़ आया, बहुत तगड़ा, जाओ और जाके देखो। तकरीबन रात के 8:30 हो रहे हैं इस समय और वो 1 बजे तक खुला रहता है और खाना रात भर चलता है 24 के 24 घंटे। व्यूज बड़ा तगड़ा है, रुक भी नहीं रहा ना कोई बात। तो राहुल रात में व्यूज तगड़ा है ना, फिर तो देख लो रात में इतना मजा सा आ जाएगा ना, तुम एक बार देख लेना, तुम्हें प्यार हो जाएगा जगह से। देखते हैं फिर कि प्यार होगा कि नहीं होगा। ओए राइट राइट ओनर राइट। तो जैसे जैसे गोल्डन टेम्पल की तरफ हम बढ़ रहे थे यार, वहाँ के जो रास्ते थे वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं किसी यूरोप कंट्री में घूम रहा हूँ। और वहाँ के जो रास्ते थे, बगल में जो स्टोर थे, वो सब एक ही तरह के थे। और कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्टैचूज बने थे जो बहुत ही एंशियंट, बहुत ही पुराने जगहों की मुझे याद दिला रहे हैं। और यहाँ पे यार बहुत सारे ना पुराने टाइप के किले इस तरह से बना रखा कुछ, लेकिन थोड़ा वो आर्टिफिशियल लगता है। और ये होटल है और सामने ही बहुत ही अलग प्रकार का वो है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने महाराणा प्रताप की लगा रखी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े और फाइनली हम उस बॉर्डर तक पहुँचे, मतलब उस गेट तक पहुँचे जो गोल्डन टेम्पल का गेट है बाहर का। टोटल 4 गेट है गोल्डन टेम्पल के, 4 से 6 गेट है। उसके वन ऑफ द गेट पे हम पहुँचे। गेट यार ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा हो कि किसी राजा महाराजा के पैलेस के गेट है, इतना बड़ा गेट था, बहुत ही आलीशान लग रहा था, बहुत ही वाइड रेंज लग रहा था। तो गाइस दिखाने वाला हूँ मैं आपको मेन गेट, ये है भाई गेट नंबर 2 जिससे हम एंट्री करने, देख लो गेट है ये, जिस गेट है और इसके अंदर इस्कॉन टेम्पल। मैं दिखाता हूँ, अभी हम शूज़ अंदर रखते हैं फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। ये दिख रहा है यार गोल्डन टेम्पल, दिख रहा हो ढंग से बिल्कुल, आगे जा करके जूम करके दिखाता हूँ तो और भी मस्त लगेगा। और फाइनली हमने उस चीज़ को देखा जिसको हमने फोटोज में, वीडियोज में, पिक्चरों में देखा हुआ है। इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून, इतना पीसफुल लग रहा था देखने में, बहुत ही मानो कि पीसफुल था मोमेंट। और यार वो रही लाइन, वो लाइन लग रही है और वो गेट, यहाँ से एंट्री गेट है उस तरफ से हमें गेट पे अंदर जाना है और वहाँ से एंट्री होगी, ये रही लाइन। और यहाँ से हमें एंट्री करके जो भी करना है वहाँ से फिर गोल घूम के वापस यहीं से बाहर निकल जाना है। और ये सब कोने कोने में पूरा गेट लगा रखे हैं, ये गेट है, ये भी एक गेट है जहाँ से एंट्री होती है, फिर वो भी एक गेट है जहाँ से एंट्री होती है। टोटल इसके 4 गेट है तकरीबन, इसके पीछे भी एक गेट है जहाँ से एंट्री होती है। और यार बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके, यहाँ पर रात में इसे देख करके तो बुरा लग रहा है कि असलियत में सोने का है कि नहीं है। यार ये नहाने की जगह है जहाँ पे लोग नहाते हैं, पानी कैसा है अभी से, पानी ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है। फिर हमने पहले तो चारों तरफ से घूमा फर्श पे, यार इतने ठंडे फर्श थे, इतना पानी इतना अच्छा लग रहा था देखने में, लोग बाग इतने खुश होकर के घूम रहे थे चारों तरफ। हमने भी चारों तरफ घूमा, देखा सब कुछ कैसा होता है, कितना अच्छा लग रहा था देखने में। हम बैठे वहाँ पे, फिर फाइनली हम अंदर गए, अंदर लोग भाग जो सफाइयाँ कर रहे थे, छोटे से छोटे बच्चे तक सफाई कर रहे थे यार अंदर में। लेकिन अंदर का कैमरा रिकॉर्डिंग चालू नहीं था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर हमने अंदर का मूवमेंट देखा क्या कर रहे थे अंदर लोग, बैठ के भजन करके गा रहे थे। वापस आ गए दर्शन करके, गेट बंद हो चुका था जैसे भी था हमने कर लिया है, गेट बंद था देख लिया, दूर से दर्शन कर लिए जितना हो सकेगा। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे लंगड़ बनता है वहाँ पे खाना खाने, देखते हैं लंगड़ में क्या क्या है और पूरा एक्सप्लोर और अच्छे से करते हैं। आपने अब तक को देख लिया इस्कॉन टेम्पल कैसा दिखता है, अंदर में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी इसलिए मैंने चालू नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे सीधा मना कर रहा था रिकॉर्डिंग चालू करने पे सारी डिलीट कर देंगे सब, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि अंदर यार अच्छा नहीं होता क्योंकि वो सारा धार्मिक जगह ना, इसलिए लंगड़ में देखते क्या क्या खाने में अवेलेबल है। यहाँ पे खाने को मिला जाता है, यहाँ पे सब पूरा खाना बैठा जाता है यहाँ पे खाने को। और ये इधर गार्डन है जहाँ पे फूल वगैरह उगे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ थोड़े आपको, फूल रोज़ हैं, बहुत सारे फूल हैं ऐसा देख रहे हो, बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे, पूरा गार्डन है। और वो है पूरा खाने का, बहुत सारी प्लेटें दिख रही होंगी, कितनी सारी प्लेटें हैं, प्लेटें ही प्लेटें। और अंदर में वो जो गेट दिख रहे हैं ना गेट, वहाँ पर बैठ के खिलाया जाता है और ऊपर में अलग खिलाया जाता है।
तो यार अब हम बाहर आ चुके हैं, हमने खाना भी खा लिया है, हमने पूरा गोल्डन टेम्पल देख लिया है। मैंने जितना हो सके जहाँ जहाँ अलाउड था कैमरा चालू करना, मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश करी। तो यार इस ब्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, और मैंने कोशिश करी अपनी जितना दिखा सकूं ऑडियंस को। यार आप देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा प्लेस पूरे लोटस गोल्डन टेम्पल में अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ब्लॉग और ये प्लेस आपके किस तरह सोचते हैं, प्लेस को किस तरह से धारणा है, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर कमेंट में बताना। और यार ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे फिर से एक न्यू ब्लॉग में और न्यू कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट के साथ। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप किस तरह की वीडियो मुझसे चाहते हो यार। ओके, तो मिलेंगे फिर से एक न्यू वीडियो में, अभी के लिए बाय।